जी रहीम अलकुम तालबात तालबा हमारा आज का लेक्चर है नज़म से हमद और ये हम आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा हम इसकी दोहराई भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको आज दोबारा रिवाइज करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से हैं। तो अल्लाह ताला की, तो की तारीफ बयान करने के लिए तो हमारे पास अल्फाज कम हैं और हमारी इस्तात नहीं इतनी जो उसकी जात और सफात में मौजूद खूबियों को बयान कर सके हम सब जानते हैं कि वो हमारा खालिक है वो हमें पैदा करने वाला है वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उसकी इजाज़त के बग़ैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता तो बच्चों हम बहुत सारे शोरा ने हम मुख्तलफ़ की हम हमदिया कलाम लिखा और हमेशा आप लोग देखिए कि हमेशा आप लोग देखिए कि कोई भी किताब है टेक्स्ट बुक जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं <coughs> तो उसमें हिस्सा नज़म का आगाज़ हमसे होता है और पहले पहल तो पूरी किताब इकट्ठी हुआ करती थी यानी आप देखते थे कि हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल अलग अलग नहीं होता बचपन में, में जो हमारी किताबें होती हैं तो उसमें किताब का आगाज़ जो है वो हमसे होता था तो हम जो है वो बेहद आ, कह सकते हैं आपके अहम है और शायरी में भी बहुत सारे लोगों ने हमदिया कलाम लिखा जिसमें मौलाना जफर अली ख़ान मौलाना जफर अली ख़ान जिनकी कहानी भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मौलाना जफर अली ख़ान के नाम से उनका हमदिया कलाम बेहद अहमियत का हामिल है और उन्होंने बहुत सारी हमदें लिखी आ, पहले शेर की तरफ देखिए पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दोरे जाम उसका किसी को तिशना लब रखता नहीं है लुफ आम उसका अब ये बात हम जानते हैं कि हमें हर चीज़ अल्लाह की तरफ़ से मिलती है जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में इस कायनात में वो उसी की मर्ज़ी से हो रहा है तो मौलाना जफ़र अली ख़ां भी यही बात बयान कर रहे हैं कि जाम कहते हैं प्याले को शराब के प्याले को तृष्णा कहते हैं प्यासे को मैकस शराब पीने वाला तो मफहूम इसका ये है कि मौलाना जफर अली खां कह रहे हैं कि हर एक शराब पीने वाले किस आगे उसका प्याला पहुंचता है और अल्लाह ताला किसी को प्यासा नहीं रखते तो बच्चों यहाँ इससे मुराद ये नहीं है कि हर शराब पीने वाले को अल्लाह शराब मुहैया करते हैं बल्कि इससे मुराद ये है कि हर एक को उसका रिस्क पहुँच जाता है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिस जिस पर अल्लाह ताला का करम उसकी इनायत एक जैसी ना हो बराबर ना हो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मुनसिफ है वो हर एक के साथ इंसाफ बरतती है वो हर एक को उसकी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता करती है तो इस पूरी कायनात में जितनी भी जानदार चीज़ें मौजूद हैं चरिंद परिंद इंसान और बहुत सारी मखलूक़ात उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनका रिस्क फ्राहम करता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे खाली रह जाए तो बच्चों आप लोगों को ये बात पता है कि अल्लाह ताला हमसे सत्तर माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है तो एक माँ जितना प्यार करती है अपने बच्चे से वो भी हम समझ सकते हैं क्योंकि हम सबकी माएँ हैं वो हमारी बहुत केयर करती हैं हमारा बहुत ख्याल रखती हैं तो हमारा रब हमसे कितना प्यार करता है ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तो तश्री करते हुए आप हमेशा तश्री करते हुए आप शायर को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि शायर ने क्या कहा है पहले मुश्किल अल्फाज के मानी अलग कर लीजिए उसके बाद आप तश्री कीजिए तो मफहम ही मैं आपसे बयान करूँगी क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गवाही दे रही है उसकी एकता पे जात उसकी दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका अब तलबात जो हमारे ईमान की पहली सीढ़ी है वो है तोहेद कलमा अगर हम अल्लाह ताला को एक नहीं मानते तो हम तोहेद के हम या आप कह सकते हैं कि हम मुनकिर ठहरते हैं तो अल्लाह ताला की जात को एक मानना और उस पर ईमान लाना ये हमारे ईमान की पहली पहली है यानी पहली सीढ़ी है तो अरकान इस्लाम में से भी ये पहला रुकन है यानी अल्लाह ताला को एक मानना उसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक ना ठहराना और इसकी गवाही सिर्फ हम ही नहीं दे रहे बल्कि कायनात की हर चीज़ दे रही है गवाही दे रही है उसकी यकताई पे जात उसकी उसके एक होने की गवाही उसकी जात दे रही है क्योंकि वो तमाम चीज़ों से आया है वो हर चीज पर कादिर है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है दुई यानी दो होना दुई के नक्श सब झूठे यानी अगर कोई कहे कि मैं राभू नौजुबिल्ला तो ये झूठी बात है बस एक उसी का नाम जो है वो सच्चा है तो उसी का नाम सच्चा है बाकी सब नक्श झूठे हैं हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं और फिर हमने क़ुरान पाक में भी पढ़ा कि अगर और रब होते तो यकीनन इस कायनात का निज़ाम नरम बरम हो जाता और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला हर चीज़ से आया हो रहा है वो शेर मशहूर तो आप लोगों ने सुन रखा ही होगा कि जग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नज़र जिधर देखा और ये भी कि दूसरा कौन है जहाँ तू है कौन जाने तुझे कहाँ तू है तो अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं है कोई उसकी ज़ात में शरीक नहीं है और नहीं हो सकता और वो एक है वाहिद है आप इसमें हमारे कल में हवाला भी दे सकते हैं जिसमें हम बारहा इस चीज़ का इकरार करते हैं कि नहीं है कोई महबूद सिवाय उसके और हज़रत मोहम्मद सल वम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं तो अगर हम इस कलमे पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम ईमान से दारा दारा इस्लाम से ख़ारिज खार, हो जाते हैं तो अल्लाह ताला जब हमें इतना कुछ फ्राहम कर रहा है इतना कुछ दे रहा है तो उसकी बहसीत मुसलमान आप को मुझे हम सबको पता है कि इस्लाम की पहली कड़ी यही है कि हम उसके एक होने पर यकीन करें उसके यकता होने पर यकीन करें और वो मुख्तलफ़ चीज़ों से आया हो रहा है हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्ताँ उसकी सुनाता है हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका फिर मौलाना ज़फ़रली ख़ान ने अक़ीदत में यही लिखा है कि कायनत की हर चीज़ हर चीज़ से वो आया है हर चीज़ से उसके होने का पता चलता है आ, दिन में अक्सर कहती हूँ कि दिन रात का आना मौसमों का बदलना और हर काम का अपने वक्त पर हो जाना और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें फूलों का खिलना और ज़िंदगी के रोज़मर के बेशुमार काम जो और आपको पता है कि इंसान जो है वो एक आँख अपने की इस्तात भी नहीं रखता ये सब अल्लाह ताला ही की वजह से होता है वो चाहे तो हो सकता है अगर वो नहीं चाहेगा तो हमारा अगला लम्हा इस दुनिया में नहीं है तो ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये फ़ानी है और ये अल्लाह ताली ही की के करम से चल रही है और हमें हवा के एक झोंके से उसका प्याम मिलता है वही इस कायनात में मौजूद है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है और वो अपनी नेमतों से हमें नवाजता है और हमें अपने होने का पता देता है आपको पता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है जब वो हर चीज़ पर कादिर है तो फिर अपने होने के गवाही हमें मुख्तलिफ चीजों से देता है जैसे मैंने सबसे पहले आपको मिसाल दी आपके हवास जितने भी आपके हवा से खमसा हैं वो भी अल्लाह ताला की अता हैं आपको और मुझे हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया और वही इस कायनात में मौजूद है वो अकेला है वो वाहिद है और इस बात का पता हमें कायनात की हर हर चीज़ से चलता है तो इसके लिए तो कोई वो नहीं है कि आप इसमें कोई इनकार नहीं है हम ये बात जानते हैं हमारे ईमान की यही निशानी है मैंने ऊपर वाले शेर में भी आपसे ये बात बयान की कि वो अकेला है और इस बात का पता कायनात में मौजूद एक एक ज़र्रे से चलता है तो जैसे हम अपनी एक आँख झपकने के भी आ, मजाज नहीं है तो फिर बाकी काम आ, हम क्या कर सकते हैं जबकि वो हमें जबकि वो नहीं चाहेगा तो इज़्ज़त ज़िल्लत दौलत और इस दुनिया की हर चीज़ जो भी हम आ, हमें मिली हुई है या हमें मिलेगी तो वो उसी ही की बदौलत मिलेगी हमें और वरना हमारी अपनी बिसात कुछ भी नहीं है तो शायर के कहने का मतलब यह है कि इस कायनात में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके होने का पता देती हैं कि वो मौजूद है आ, और ये शेर भी आपने सुन रखा होगा तुझी को जो यहाँ जलवा फरमाना देखा बराबर है दुनिया को देखा ना देखा तो अल्लाह ताला को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो कायनात की हर चीज़ से आया हो रहा है आप अपने इर्द गिर्द खिले हुए पौधे फूल पत्ते देख लीजिए मौसम की तब्दीलियाँ देखिए गर्मी में चलने वाला ठंडी हवा का झोंका भी आपको ये एहसास दिलाएगा आपके दिल से शुक्र के कलमात निकलेंगे और इसके अलावा सर्दी के मौसम में भी तो आप देखिए सर्दी के हर मौसम सर्दी हो या गर्मी हो ये जो एक ख़ास अपने वक्त मकर पर बदल रहे हैं तो जाहिर है इसको चलाने वाला कोई मौजूद है फिर आपको हज़रत इब्राहिम आसलम की तलमी भी याद होगी कि जब उन्होंने अपने रब को पहचानने के लिए वो निकले तो उन्होंने पहले चाँद को अपना रब कहा जब वो भी जब वो भी डूब गया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा रब ये नहीं हो सकता इसी तरह से उन्होंने सूरज को अपना रब माना लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरा रब गूब नहीं हो सकता वो हमेशा रहने वाली चीज़ है तो इस तरह से उन्होंने अपने रब को पहचाना कि वो और हमारा ईमान है कि हम एक अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं और उसे मानते हैं तो ये हमारे ईमान की निशानी है सरापा मास में मकफरत है खता कोशी, रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका। सरापा सर से पाँव तक मैं गुनाहों से भरा हुआ हूँ मासियत गुनाहों से भरा हुआ होना जबकि अल्लाह ताला की जात जो है वो मगफरत करने वाली है वो इंसान को बख्श देती है और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर कोई भी मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं दस कदम उसकी तरफ आता हूँ तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है चाहे कोई कितना ही गुनागार क्यों ना हो और यही बात बयान कर रहे कर रहे हैं मौलाना ज़फ़र अली खां भी कि मैं सर से पाँव तक गुनाहों में गुनाहों गुना में डूबा हुआ हूँ गुनाह करना मेरी फितरत में है लेकिन वो ज़ात है और उसका काम मेरी खताओं को छुपाना है उनकी पर्दापोशी करना है